वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम्पल 12.5, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं वो ओम है, लेंथ दे रखा है आपको और रेजिस्टेंस दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर और डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू बतानी है यहां पर, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताने का हम तरीका जानते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद या रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं ये बात हम जानते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और हम सीखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इन बातों पर डिपेंड करता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मान लीजिए आपके पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से यहां तक आपके पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो आर कैन बी रिटन रो एल बाय ए, ए कैन बी रिटन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस आर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल है, रेडियस आर है, आर इक्वल टू डी बाय टू, आर इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डायमीटर का हाफ रेडियस, तो पाई डी बाय टू का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं आप पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। तो आर कैन बी रिटन रो एल पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, रो एल फोर अपॉन पाई डी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो R, R की वैल्यू कितनी है चेक करें, 26। पाई होता है 3.14, डायमीटर दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर होता है, तो डी स्क्वायर मतलब हो गया, आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10^4 मीटर। तो 3 × 10^4 -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × लेंथ, लेंथ है 1 मीटर, 3.14, 9 × 10^-8 13, 1.57 × 9 × 10^-8 117, 1.57 × 10^-8 1.57 सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आप चाहें तो इसे 1.6 लिख दीजिए, 10^-8 ओम मीटर। आगे आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। देखिए एग्जांपल 12.6 में क्या कहा गया है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया है तो आपको बताना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। आइएगा बोर्ड पे सीखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए आप और हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाय ए दिया जाता है, ठीक है आप समझो बेटा, एक्चुअलिटी में इसका कंसेप्ट में पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं वापस से। भाई मान लो शुरुआत में क्या हुआ, आपने कॉपर लिया, मटेरियल ले लिया कोई, लेंथ एल वन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन, रेजिस्टेंस आर वन, आर वन इक्वल टू रो एल वन अपॉन ए वन ले लिया गया। अब आपने इसको खींचा, खींचकर लंबा कर दिया, ना खींचकर लंबा किया तो लेंथ तो बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू और रेजिस्टेंस हो गया आर टू। भाई लेकिन पहले भी कॉपर था तो बाद में भी तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर थोड़ी बदलेगा, तो रेजिस्टिविटी वही की वही है, आर टू इक्वल टू रो एल टू बाय ए टू, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो हम लिख सकते हैं आर टू बाय आर वन इक्वल टू रो एल टू बाय ए टू, रो L1 by A1 रो से रो कैंसल, तो R2 by R1 को लिखा जा सकता है L2 by L1 A2, L2 by A2 A1 by L1, L2 by L1 मल्टीप्लाई बाय A1 by A2। अब देखो बेटा जितना मास कॉपर का शुरू में था बाद में भी उतना ही रहना है, मास तो बदलेगा नहीं, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास जितना मास शुरुआत में था उतना ही मास बाद में भी रहेगा। अच्छा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से, डेंसिटी इनिशियल वॉल्यूम, डेंसिटी फाइनल वॉल्यूम। भाई किसी आयरन पीस को, किसी कॉपर पीस को, किसी गोल्ड पीस को आप ठोक पीट देते हैं तो गोल्ड ही रहता है, डेंसिटी बदलती नहीं है, डेंसिटी उतनी रहती है, डेंसिटी चेंज होती नहीं है।
तो इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या निकाला जाएगा, मान लो आपके पास में वायर है, तो ये रहा लेंथ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ए वन इंटू एल वन इक्वल टू ए टू इंटू एल टू, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। हमें लेंथ के साथ वेरिएशन चाहिए तो हमें ए वन बाय ए टू चाहिए, अगर हमें ए वन बाय ए टू चाहिए तो हम कह सकते हैं एल टू बाय एल वन, ए वन बाय ए टू चाहिए तो एल टू बाय एल वन कह सकते हैं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं आर टू बाय आर वन दैट इज इक्वल टू एल टू बाय एल वन मल्टीप्लाई बाय ए वन बाय ए टू, को क्या लिख सकते हैं आप, ए वन बाय ए टू को लिख सकते हैं आप एल टू बाय एल वन, सो आर टू बाय आर वन हो गया आपके पास एल टू बाय एल वन का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। तो ये बात मैं बता चुका था लेकिन फिर से बताना पड़ी, पहले भी मैं सिखा चुका हूं लेकिन अब ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्टली न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होंगे, उन्होंने थ्योरी देखी नहीं होगी, तो उनके लिए बात बताइए, ये आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना आर इक्वल टू रो एल बाय ए, एक फॉर्मूला ये, और आपको लिखना आर टू बाय आर वन एल टू बाय एल वन का होल स्क्वायर ए वन बाय ए टू का होल स्क्वायर। नाउ आर टू बाय आर वन को लिख सकते हैं आप एल टू बाय एल वन, तो एल टू कितना हो गया आपके पास में 2L अपॉन L का होल स्क्वायर, तो R2 टू बाय आर वन आ गया 4, तो R2 टू विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1, शुरुआत में कितना था 4 ओम था, शुरुआत में 4 ओम था तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओम कितना आ जाता है आपके पास में 16 ओम, इसका आंसर आता है, तो 16 ओम विल बी द फाइनल आंसर। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ College Road, लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव